हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक मोबाइल है और ये मोबाइल है आईटेल का चाइनीज मोबाइल है। और इस मोबाइल को उनका, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस मोबाइल में प्रॉब्लम है ये कि ये मोबाइल जो है पिन लॉक मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी कोड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, इस मोबाइल को हम आज अनलॉक करेंगे जो है, क्या कहते हैं, DPDM कनेक्शन के जरिए से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि DPDM कनेक्शन क्या होता है, उसे कैसे कनेक्शन किया जाता है और उसके जरिए से कैसे अनलॉक किया जाता है। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी कोड जो मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो इसे हम अनलॉक करेंगे जो DPDM कनेक्शन के जरिए से, क्योंकि इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो टूटा हुआ है। और चार्जिंग कनेक्टर टूटा हुआ होने के कारण से हमें जो है इसे DPDM कनेक्शन के जरिए से अनलॉक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX माना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि DPDM कनेक्शन जो है बोर्ड में वो लिखा होता है, चाहे वो बोर्ड के पीछे में लिखा हो, चाहे बोर्ड के आगे में लिखा हो। तो अगर मान के चलिए इस मोबाइल में जैसे कि पीछे में लिखा हुआ नहीं है DPDM कनेक्शन, ठीक है, तो इस मोबाइल का जो यहाँ पर कीपैड पता आप देख रहे हैं, इस पता को निकालने के बाद यहाँ पे नीचे में इसका कनेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है D+, D- और GND+, VC, HG, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता दूं VCG जो है, ये आप देख रहे हैं जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी किसी बोर्ड में लिखा होता है VCHG के बदले में VBUS लिखा होता है, ठीक है। तो ये होता है 5 वोल्ट कनेक्शन, ठीक है, यानी कि चार्जिंग का जो 5 वोल्ट कनेक्शन होता है वो VCG और VBUS जो लिखा होता है उसमें 5 वोल्ट का कनेक्शन होता है। उसके बाद ग्राउंड तो आप कहीं भी दे सकते हैं, उसके बाद ग्राउंड जो है आप बॉडी से भी दे सकते हैं, या आप ग्राउंड अगर लिखा हुआ है बोर्ड में तो ग्राउंड में आप ग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा प्लस, तो डाटा प्लस जो होता है दोस्तों, तो वो DP मान के चलिए DP लिखा हुआ है तो वो डाटा प्लस हुआ। और डाटा प्लस कनेक्शन जो है, आपके डाटा केबल जब कटिंग करेंगे तो उसमें डाटा प्लस कनेक्शन होता है, और ठीक है। आपको इस वीडियो में आपको सारी बातें आपको बता रहा हूँ, आपको आप थोड़ा ध्यान से देखें इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि DPDM कनेक्शन क्या होता है और RXTS कनेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RXTS कनेक्शन जो होता है वो मैनुअल कनेक्शन होता है। अगर वो कनेक्शन अगर आपको करना है तो उस कनेक्शन को जो है आप किसी भी बॉक्स के जरिए, चाहे आपके पास वोल्कानो बॉक्स हो, चाहे आपके पास मेडिकल बॉक्स हो, चाहे आपके पास UMT बॉक्स हो, किसी भी बॉक्स हो, तो बॉक्स के जरिए से ही आप RXTS कनेक्शन करके जो है आप मोबाइल को बूट करा सकते हैं। वो RXTS कनेक्शन यानी मैनुअल कनेक्शन है। और DPDM का मतलब हुआ कि ये आपका जो जो चार्जिंग कनेक्टर में जो सॉकेट लगा हुआ है, जो चार्जिंग कनेक्टर में जो भी पॉइंट है, वो सारा का सारा पॉइंट है ये DPDM कनेक्शन, ठीक है। यानी अगर आपका चार्जिंग कनेक्टर खराब हो जाता है तो आप डाटा केबल को कटिंग करके तो आप जो है इसमें जो कनेक्शन कर सकते हैं बोर्ड में, सभी कंपनी के बोर्ड में, सभी कंपनी के मोबाइल में ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ होता है कनेक्शन। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि RXTS क्या होता है, DPDM क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि RXTS कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैनुअल कनेक्शन है, वो सिर्फ आप बॉक्स के जरिए से कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर DPDM कनेक्शन लिखा हुआ है सभी बोर्ड में, तो आप जो है उसे मेडिकल क्रैक या मेडिकल बॉक्स या किसी भी क्रैक के जरिए से आप उसे मोबाइल को बूट करा सकते हैं। तो ये हुआ DPDM कनेक्शन, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि ये DPDM कनेक्शन जो है सभी मोबाइल में होता है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो कीपैड मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, चाहे MI का मोबाइल हो, चाहे ओप्पो का मोबाइल हो, किसी भी कंपनी के मोबाइल में DPDM कनेक्शन होता है। यानी उसका अगर चार्जिंग कनेक्टर अगर टूटा हुआ है या सर्किट टूट गया है, तो आप DPDM कनेक्शन करके जो है उस मोबाइल को बूट करा सकते हैं। और कई सब्सक्राइबर ने बहुत दिन पहले कमेंट किया था कि बहुत सारे मोबाइल में सिर्फ DPDM लिखा हुआ है, उसमें ग्राउंड लिखा हुआ नहीं, उसमें VBUS लिखा हुआ नहीं, उसमें VCG लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ओनली DPDM है, तो हम क्या करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं कि DPDM कनेक्शन को आप सेम जो है जो डाटा प्लस डाटा माइनस का वायर है जो है आप उसमें लगा सकते हैं। बाकी बच गया 2 वायर, 1+5 वोल्ट, 1 बच गया ग्राउंड, ठीक है। तो +5 वोल्ट और ग्राउंड, तो ग्राउंड को आप कहीं भी मार सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर के अगल बगल में कहीं भी ग्राउंड का सर्किट होगा वहां पे आप उसे मार सकते हैं, ठीक है। और प्लस वाला वायर जो बचेगा, तो जहां पे जो मान के चलिए आपका चार्जिंग कनेक्टर लगता है, उसका पहला जो पिन होता है 5 वोल्ट का, उस 5 वोल्ट के पिन के अगल बगल में आप मार सकते हैं उसे मल्टीमीटर से चेक करके कि उसका 5 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने VCGH में जो है VCHG में जो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का जो वायर लगा दिया है रेड कलर का, उसके बाद
जो व्हाइट वाला कलर का जो वायर है उसे हमने डाटा प्लस में लगाया है, और ग्रीन वाला वायर जो है वो डाटा माइनस में हमने लगाया है, और ब्लैक वाला वायर जो है उसे हमने ग्राउंड में लगा दिया है। यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, और अगर ग्राउंड अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता तो हम बॉडी में कहीं भी जो है सर्किट के कहीं भी अगल बगल में कहीं भी ग्राउंड में उसे हम जो है सोल्डिंग कर देते हैं। और मान के चलिए कि आप ये 5 वोल्ट का वायर जो हमने यहाँ पे रेड कलर का लगाया है, और अगर वो कनेक्शन बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है तो आप चार्जिंग कनेक्टर जहाँ पे लगता है उसका पहला वाला जो पिन होता है, एक नंबर पिन पर जो है आप उसके अगल बगल में कहीं भी जहाँ भी उसका सर्किट सही सलामत होगा वहाँ पे आप कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप SPD मोबाइल को बूट कराते हैं या MediaTek को बूट कराते हैं, सेम वही तरीका है। यानी मान के चलिए कि आपने जो कनेक्शन किया अभी है, ये कनेक्शन डाटा केबल से जो आप मोबाइल को जो बूट कराते हैं तो सेम वही तरीका है और कोई अलग तरीका नहीं है। तो चलिए इस मोबाइल को हम आपको अनलॉक करके दिखाते हैं कि इस मोबाइल को हमें अनलॉक करना है, कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको सारी बातें दिखा रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम हो रही है अनलॉक करने में, आजकल के नया मोबाइल जो होता है उसे अनलॉक करने में प्रॉब्लम होती है, वो जो रीड अनलॉक नहीं होता है, उसका सिक्योरिटी कोड अगर हम रीड करना चाहें तो वो रीड नहीं हो पाता है, तो लास्ट में उस मोबाइल को हमें फॉर्मेट करना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने DPDM कनेक्शन कर दिया है, बैटरी निकाल के बैटरी हमने दोबारा मोबाइल में लगा दिया, और जैसे डाटा केबल को हमने अपने CPU में कनेक्ट किया ऑटोमेटिकली ये मोबाइल बूट कर चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल बूट कर चुका है, लेकिन हमें इस मोबाइल का करना क्या है कि इस मोबाइल का हमें जो है सिक्योरिटी कोड जो है अनलॉक करना है। तो सिक्योरिटी कोड अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ पे रीड अनलॉक पे चेक लगा देना है, क्योंकि पहले का जितना भी कीपैड वाला मोबाइल था वो सारा का सारा मोबाइल यहाँ पे रीड अनलॉक पर पासवर्ड दिखाया करता था, लेकिन अभी जो भी कीपैड वाला नया मोबाइल आ रहा है वो रीड अनलॉक में पासवर्ड नहीं दिखाता है, ठीक है। तो उस मोबाइल को हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि रीड अनलॉक करने पर ये पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं दोबारा हमने यहाँ पे जो फिर कनेक्ट किया तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या किया, बैटरी को निकाला, फिर डाटा केबल को निकाल दिया, डाटा केबल के निकालने के बाद फिर से बैटरी लगाया, फिर डाटा केबल हम लगा रहे हैं, उसके बाद हमारा ये मोबाइल बूट करेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट जो है एरर लिख रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये पोर्ट एरर इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये जो है रीड अनलॉक सपोर्ट नहीं है। आजकल के जितनी भी कीपैड वाली नई मोबाइल आ रही है इस मोबाइल में जो है यहाँ पे रीड अनलॉक किसी मोबाइल में सपोर्ट नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है। तो ऐसे में क्या करना होता है, हमें मोबाइल को फॉर्मेट करना होता है। दोस्तों मैं बता दूं मोबाइल को फॉर्मेट करने से पहले जब भी अगर आपको ऐसा अगर नौबत पड़े, आपको अगर ऐसी परेशानी आ जाए, तो आप मोबाइल को पहले रीड कर लेंगे, उसका फ्लैश फाइल रीड कर लेंगे और तब आप उसे फॉर्मेट करेंगे, और जब फॉर्मेट करेंगे तो उसे ऑटो फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मेट करने में मोबाइल का MI जो है डिलीट हो जाता है या मोबाइल डेड हो जाता है। तो आप उसका फ्लैश फाइल रीड जरूर कर लेंगे, रीड करने के बाद ही आप उसे फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट पे हमने यहाँ पे चेक लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे सेफ मोड है, इसे हमें यहाँ पे ऑटो कर देना है, सेफ मोड का चेक हटा देना है, ऑटो पे रहने देना है, और ऑटो पे रख करके ही हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें इस मोबाइल को फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फाइल सेव करने लिए कहा जा रहा है, फाइल को हम सेव नहीं करेंगे, हम बैकअप नहीं लेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे नो कर देते हैं, उसके बाद ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा और इसका सिक्योरिटी कोड जो है अनलॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सिक्योरिटी कोड इसका अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों हमें जो है मोबाइल को फिर से डाटा केबल निकाल देना होगा, फिर से मोबाइल का बैटरी निकाल देना होगा, और उसके बाद फिर से हमें जो है सेम वही तरीका अपनाना होगा। तो चलिए हम यहाँ से फिर से मोबाइल का बैटरी निकाल के फिर से मोबाइल का बैटरी हम लगा दिए हैं, उसके बाद डाटा केबल जो है निकाल करके फिर से हम डाटा केबल को हम जो है अपने CPU से कनेक्ट करते हैं, और जैसे हम अपने CPU से डाटा केबल को कनेक्ट करेंगे तो ये मोबाइल यहाँ पे बूट करेगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो यहां पे बूट कर चुका है, उसके बाद हमारा मोबाइल जो यहां पे फॉर्मेट होने की स्थिति में है। तो चलिए देखते हैं ये मोबाइल कंप्लीट पूरी तरह से फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो यहां पे जो है फॉर्मेट हो चुका है। चलिए अब हम इस मोबाइल को देख लेते हैं कि ये हमारा मोबाइल जो है इसका जो सिक्योरिटी कोड है वो अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए हम मोबाइल को यहां पे ऑन करके आपको दिखा देते हैं यहीं पर कि मोबाइल का जो सिक्योरिटी कोड अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही जो आपको जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और अगर आप जो है उस बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं इस मोबाइल का जो सिक्योरिटी कोड अनलॉक हो चुका है, ये मोबाइल ऑटोमेटिकली पूरी तरह से जो अनलॉक हो चुका है और ये मोबाइल ऑन हो चुका है, इसमें जो है कोई सिक्योरिटी कोड नहीं है। चलिए हम आपको यहां पे कीपैड बटन दबा करके दिखा देते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ये मोबाइल जो है वर्क कर रहा है, इसमें कोई सिक्योरिटी कोड नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।